अच्छा फरीदा कैसी माँ है? बहुत अच्छी माँ, गिव अप नहीं करती। पहली वाली तो बस बना दिए ना हम लोगों ने, वो मेरे चक्कर में लेके रही कि आदमी ठीक नहीं हो गए थे मेरे लिए। माँ वो भी बहुत कमाल हो गई। माँ बिल्कुल अच्छी है, वो बच्चे बता सकेंगे कितनी अच्छी माँ। मेरे दो बच्चे जो है ना फरीदा से, उनके साथ मेरा ये है, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं अपनी बेटी को हर वक्त आई लव यू बोलता रहता हूँ। उस वक्त जब वो बच्चे मेरी शादी हुई थी तो मैं खुद अपना लड़कपन ढूंढ रहा था यार, 18 साल की उम्र, आठ बच्चे। कितने कमरों में रहते थे? कभी दो कमरों में रहे, कभी डेढ़ कमरों में रहे हैं। मैं 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने जॉब करता था, और उसके बाद दरअसल जो सेठ ने अपना दिखाया कि मैं सेठ हूँ, तो हमने कहा तेरे से बड़े सेठ है, छोड़ के आ गए। जब मुझे पैसे चाहिए होते थे तो मुझे पता होता था अम्मा कहाँ रहती है, मैं उसमें से 150। और अम्मा को पता भी नहीं चलता था? अम्मा फर्क मेरे पैसे पता नहीं यार, 150 उस जमाने में बड़ी रकम थी भाई। एक मरतबा तो वो बैत नहीं होती बैत, जिसके उसके तो या जिसको घोड़े से मारते हैं, नहीं उसका इतना मोटा बैत का डंडा। तो अम्मा अगर अभी मिले एक दफा तो क्या कहोगे? मिल ही ना जाए यार, क्या कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। शुरू में आप छोड़ दिया, पढ़ाई नहीं करनी, अब्बा को कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं? कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं, उठाओ काम करो भाई, कुछ करो। नौकरी करवा दी? किस चीज़ में नौकरी करवा दी? दुकान पे लगवा दिया एक, कि जाओ यहाँ पे काम करो, बर्तनों की दुकान थी। तो सुबह सुबह निकलते थे? सुबह सुबह वहाँ। क्या उम्र? 16-17 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी है? छोड़ दी। शब्बीर जान ने, जो अब आगे आके आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ा राइटर, डायरेक्टर, एक्टर बनेगा और पता नहीं क्या क्या करेगा, शैब्स सैलून चलाएगा। मैं तो ये सोच रहा होता हूँ कि अगर मैं पढ़ा पढ़ लेता तो बनी इंसान के लिए वो खतरा ना बन जाता। तो यही वजह कि मुझे वहाँ रोक दिया कि ये इसके लिए इतना बहुत है। ये अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम वालिद के साथ या वालदा के साथ, तो हम बाद में बात करें, वालिद के साथ रिलेशनशिप किस किस्म की थी आपकी? वो बहुत सख्ती रखते थे हम पर, कभी प्यार से बात नहीं की, कभी ऐसा नहीं हुआ था मेरे बच्चे मुझे ऐसा कर। कुछ मुझे याद नहीं है, कभी दिल से गले से लगाया? हाँ, नहीं मुझे ऐसा कभी ये नहीं कहा कि मेरे चांद में तेरे प्यार करता हूँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ ये फीलिंग्स इस तरह की, तुमने भी यही रखा है तो मेरे भी तकरीबन ऐसा ही रहा। क्या कह रहे हो यार? ऐसे ही रहा है, लेकिन मैं अब दोनों बच्चों को कह रहा आई लव यू, वो भागते हैं नहीं अब, जैसे वो एंबैरस फील करते हैं। मेरे दो बच्चे जो है ना फरीदा से, उनके साथ मेरा ये है, ठीक है ना, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं अपनी बेटी को हर वक्त आई लव यू बोलता रहता हूँ। ये सब चीज़ें मेरी हैं अब, जो वहाँ उस जमाने में नहीं थी। वो जो मेरे बच्चे थे उस जमाने में वैसे ही थे हम, जैसे हमारे माँ बाप थे, काम धंधे में। जल्दी एहसास हुआ कि बाप काम कर रहा है, ये है वो है, मुझे करना चाहिए काम? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरी 18 साल की उम्र में शादी हो गई थी बिकॉज ऑफ आवारागर्दियाँ। कौन सी आवारागर्दी थी? बस भाग दौड़ कर रहा था मैं, मैंने पता नहीं क्या क्या कर लिया उस जमाने में, कहीं बता दे क्या क्या निकल जाता था, घर छोड़ के निकल गया, चला गया लाहौर, चला गया किस चक्कर में, वैसे ही भाग गए बगैर बताए, पिटाई हुई बहुत जबरदस्त, घर से भाग गए। खुद नाराज हो? हाँ नाराज हो गया, बहुत मारा आज। हाँ। आज ज्यादा मारा। हाँ, जब पैसे खत्म हो गए तो फिर आ गए वापस। और वापस आने का मुझे ड्रामों में तो हम देखते हैं, अब तुम लड़के चले गए हो लाहौर, और कितने दिन बाहर रहे हो? तकरीबन एक डेढ़ महीना। डेढ़ महीना ना तुमने फोन किया? माँ को पता है? जॉब ही नहीं मिली, नौकरी नहीं, ढूंढ रहा था लाहौर में। माँ को पता बता के गए थे? सबको मतलब बता दिया था मैंने कि मैं नहीं आऊंगा, मैं चले जाऊंगा। अब मैं गया, मैं जा रहा हूँ बस, जो हम देखते हैं जी। और डेढ़ महीने में जिल्लत के बाद वापस आके लख किटकिट वापस क्यों आए तो? नहीं 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 आते, फिर मना की बात थी। मेरी माँ ने तो बस दुआएं मांग रही थी कि वापस आ जाएगी इस समय, और मैं आ गया वापस। माँ की वजह? माँ नहीं देख अपनी औलाद से दूर रह सकती। Right, that's true. तो माँ से तो वापस आ गए तो अब्बा ने फिर जूते मारे? फिर जूते पड़े, फिर मारा दोबारा। मुझे पता था कि मैं पिटूंगा। एक चीज अच्छा होती ना, मतलब आप जूते से मारते थे या हाथों से? मैक्सिमम एक अप्रोच होता, हर कोई भी चीज हाथ में होनी चाहिए। खुदा पाक की कसम। हाँ, किसी चाकू डंडा चाकू मतलब एक मिनट, जब एक दफा तुमने देख लिया कि अब ये गुस्से में आ गए अब्बा जान, अब ये कोई चीज भी मार सकते हैं। एक मरतबा तो वो बैत नहीं होती बैत, जिसके उसके तो या जिसको घोड़े से मारते हैं, नहीं उसका इतना मोटा बैत का डंडा, हाँ वो मेरे यहाँ मारा था। नहीं यार, मुझे पहली मरतबा दुनिया यूं लगी डिंग 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 डिंग।
वो जो हम कार्टून में नहीं देखते, तुझे जान से मार देते, फोड़ा निकला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपका मारपीट है कितने जारी, बस ये 18-20 साल तक, उसके बाद नहीं। अब्बा उसके बाद अब्बा हो गए, अब्बा हो गए, फिर उन्होंने कहा बड़ा हो गया। हाँ, फिर तुमने कहा अब्बा अपना हाथ लगाना। नाराज रहते थे बहुत, क्योंकि हम आवारा गिरती में थे, उसके बाद मजीद आवारा हो गए थे। आवारा से मुराद के लड़कियों के चक्कर थे क्या? दोस्तों में बस घूमना है। हाँ, घूमना फिरना, ये नहीं था कि लड़कियों के पीछे घर गए। लड़कियां वड़कियों में कोई मसला नहीं था, ना लड़कियों वाला तो हमें देख दिया, हम टाइम नहीं है भाई, दोस्तों से टाइम नहीं है। हाँ अच्छा, अभी चलो तो बस इन चक्करों की वजह से वो नाराज। 18 साल में शादी हो गई। हाँ, क्योंकि शादी से खुश रहे तुम? मेरा नौकरी का मिजाज नहीं था। मैं 6 महीने 3 महीने 2 महीने जॉब करता था, और उसके बाद दरअसल जो सेठ ने अपना दिखाया कि मैं सेठ हूँ, तो हमने कहा तेरे से बड़े सेठ है, छोड़ के आ गए। अम्मा को भी पता था ये अम्मा बात? अम्मा कह रही पैसे तो ले आते, जितने दिन काम किया, मैंने कहा दफा करो, नहीं चाहिए मुझे पैसे। अम्मा हमेशा तेरे साथ राजदान रही। हाँ, उसको पता था ये स्पेशल। अम्मा के पैसे मैं निकालता था चुपके से, जब मुझे पैसे चाहिए होते थे तो मुझे पता होता था अम्मा कहाँ रहती है, उसमें से 150। और अम्मा को पता भी नहीं चलता था? अम्मा फर्क मेरे पैसे नहीं यार, 150 उस जमाने में बड़ी रकम थी भाई जान। आप अपनी माँ से चुराया करते थे? चुपके से। अब्बा से नहीं चुराया करते थे? अब्बा के पास होते नहीं थे, अम्मा को दिया करते थे। इनकी रिलेशनशिप कैसी थी? मतलब मेरी माँ ने बहुत, मेरे बाप, हमें उस जमाने में ये था कि डेली एक्सपेंस मिलता था अम्मी को। ठीक है कि भाई ये आज का खर्चा है, कल का खर्चा, आने वाले कल का खर्चा रात को आके दे देते। अगर दुकान बंद हो गई, हड़ताल हो गया, कुछ हुआ, तो भाई वो आज पैसे नहीं है, गुजारा करना कल खुद ही। तो उन्होंने बहुत बचत करके, बहुत कुछ करके, जो दुकान है आज हमारी, वो भी मेरी वालदा ने बहुत पैसे बचा के कुछ करके उनको। माँ ने किया सर? माँ ने किया, दादी के साथ मिल गया। अब्बा का बस काम ये था कि सारा दिन काम किया, जितने पैसे बचे ये टक बस ये उसमें गुजारा करो। 6 बच्चे जी, एक कमरा, 5 कमरे, कितने कमरे? 8 बच्चे। 8 बच्चे कितने कमरों में रहते थे? कभी 2 कमरों में रहे, कभी 1.5 कमरों में रहे हैं। या इला, 1.5 कमरों में 8 बच्चे और 2 वालदे? नहीं, उस वक्त जब 1.5 कमरों में थे हम, उस वक्त थे 6 बच्चे, 2 भाई नहीं थे। तो 2 भाई बाद में हुए, तो एक उस्मानाबाद में हुआ था, आखिरी जो मेरा छोटा भाई है उसकी पैदाइश उस्मानाबाद में रहते थे। जगह छोटी है वो जगह, वो घर बड़ा था, घर बड़ा था मगर कमरे भी बड़े थे। हाँ हाँ, बड़ा घर था, इतना बड़े घर कमरे थे। उसके बाद हम न्यू कराची के वो क्वार्टर बड़े थे, उसमें भी रहे हम। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये करते कराते गुलबहार गुलीमार में, वो भी 4-5 कमरे थे, तो उसके अंदर हम सब। ये अब्बा की मतलब ये स्ट्रगल का दौर था जी? अब्बा ने हम सारी जिंदगी स्ट्रगल ही की। 6 बच्चों को पालना यार, आसान एक ही बंदा यार। अब वो तो सादे आदमी थे, लोगों ने तो यहाँ माइग्रेट करके आए थे ना, तो ताले तोड़ के बिल्डिंगों को कब्जे कर लिए। बिल्कुल ऐसे ही उनको उनके मामू ने बैठा दिया छत पे कि तुम यहाँ से निकलना नहीं बाहर। क्यों? बस उनकी स्ट्रेटेजी होगी जो भी होगा। आपको बताया उन्होंने कि इंडिया छोड़ के क्यों आए, कैसे किन हालात में आए? जा रहे थे, सब आ रहे थे, सब आ रहे थे, उन्होंने कहा चलो हम भी चलते हैं। फिर मैंने शादी की फरीदा से, तो उसके बाद फरीदा से कहती थी इसको बोल ये करवा दे, उसका काम पना का ये करवा दे, भाई का ये करवा दे, बहन का ये काम है, फना का ये काम है। तो वो ऐसे, और मेरी क्या ताकत है यार किसी की? अम्मा अगर अभी मिले एक दफा तो क्या कहोगे? मिल ही ना जाए यार, क्या कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा, फरीदा कैसी माँ है? बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छी माँ, गिव अप नहीं करती। पहली वाली? पहली वाली तो बस बना दिए ना हम लोगों ने, मेरे चक्कर में लेके रही कि आदमी ठीक नहीं हो गए तेरा मेरे लिए, तो वो इसी चक्कर में ज्यादा रही कि वो भी अच्छी माँ। माँ तो माँ वो भी बहुत कमाल होगी। माँ बिल्कुल अच्छी है, वो बच्चे बता सकेंगे कितनी अच्छी माँ, ठीक है, जिन्होंने उसके साथ टाइम। तुम कैसे बाप हो अगर खुद को एनालाइज करना? मैं बहुत ही बाप, उस वक्त जब वो बच्चे मेरी शादी हुई थी तो मैं खुद अपना लड़कपन ढूंढ रहा था यार, 18 साल की उम्र, तो मैं खुद ही बच्चा था, मैं अपनी मस्तियाँ ढूंढ रहा था, उनके साथ मेरा कोई टाइम इतना नहीं हुआ। जिन लोगों के पास माएँ हैं शबी, उनके टाइम खत्म हुआ, क्या कहोगे उन्हें? बस उनको यही कहूँगा कि
ये दोबारा नहीं मिलेंगी आपको, जब तक ये है आपके पास कोई मौका ना गवाइए इनकी खिदमत करने से। वो जो कहते हैं ना कि माँ बाप के सामने उफ नहीं करनी, उफ क्या, कौन सी उफ की बात हो रही है बताए आपको, कि मुझे कोई तकलीफ है, मुझे दर्द है, तो मैं अपने माँ बाप के सामने अपनी तकलीफ का इजहार भी ना करूं, उनको कुछ कहना तो बहुत बड़ी बात है। कि मैं अपनी तकलीफ पे उफ ना करूं कि उनका उनका दिल पता नहीं कट जाएगा कि मेरे बच्चे को क्या हुआ, अल्लाह खैर। तो लिहाजा लोगों को ये बताएं कि वो कहते हैं ना माँ बाप को उफ ना करो, उफ वाला नहीं है कि माँ बाप को झड़को या डांटो, नहीं नहीं, ये तो आपकी दोजख है, तक कयामत में जो आपका हाल होगा वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमें ये वो उफ ये है कि अगर मुझे कोई तकलीफ है और मैं अपनी माँ के पास बैठा हूँ तो मैं कोशिश करूँगी मैं अपनी तकलीफ भी ना बताऊँगा, उस पर उफ ना करूँगा।